हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स ट्रॉपिक्स इन फाइनस फीमेल गैमेटोफाइट्स। फीमेल गैमेटोफाइट्स स्टूडेंट्स का हम लोग बेसिकली स्टडी किया था। इसमें हमने बताया था जनरल स्टडी के अंतर्गत और बताया था कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर देखते हैं, यह जो होता है रिप्रोडक्शन में, हमने बताया था टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेजिटेटिव होता है जिसमें एपिकल बर्ड्स के थ्रू होता है, वो बल्बिल के द्वारा, और सेकेंडरी जो होता है इसका सेकेंड जो पार्ट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हमने बताया था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हेटरोट्रॉपस टाइप का होता है, हेटरोट्रॉपस। और इसमें हेटरोट्रॉपस का इट मींस क्या होता है कि जो बेसिकली इसका जो मेल गैमेटोफाइट्स होता है ये डिफरेंस होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स अलग होते हैं। इट मींस यहां पर जो होता है कि ऐसे कंडीशन में जो एंथेरिडिया मेल गैमेटोफाइट्स में अगर देखा था इसमें एंथेरिडिया का फॉर्मेशन नहीं होता, बट फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसमें नेकेड सीड वाला होता है, इसमें विदाउट कोई इसमें ओवरी का कंडीशन नहीं होता है, और इसके साथ ही साथ इसमें जो होता है कोई ओवरी वॉल नहीं होता, और उसमें जो इसमें बेसिकली जो फीमेल गैमेटोफाइट्स में होता है इसमें ओव्यूल्स के कंडीशन पाए जाते हैं, जो उसका हम लोग स्टडी करेंगे। मेल गैमेटोफाइट मैंने बताया था कि इसमें एक जो मेल गैमेटोफाइट होता है एक स्ट्रोबिलस के फॉर्म में, स्ट्रोबिलाई के फॉर्म में होता है या कोन के फॉर्म में होता है। जो कोन के फॉर्म में होता है, कोन के फॉर्म में माइक्रोस्पोरोफिल होता है, जो माइक्रोस्पोरोफिल के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वो माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, फिर मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप इसमें माइक्रोस्पोर यानी इसमें स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करते हैं। और ये स्पोरेंजिया जो होता है बेसिकली इसमें पॉलन ग्रेन की तरफ फंक्शनिंग करता है। अब यहाँ पर दूसरा जो होता है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में भी हम लोग देखते हैं कि इसमें जो अगर इसका एलएस देखते हैं तो ये भी जो होता है एलएस देखने के बाद भी कि इसमें फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। और ये होता है अगर फीमेल गैमेटोफाइट देखा जाता है कि इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है ये लंबा कंडीशन में होते हैं, इलांगेट होते हैं, इसके साथ इसके मेगास्पोरोफिल्स के कंडीशन पाए जाते हैं, मेगास्पोरोफिल। और इस मेगास्पोरोफिल के साथ साथ अब इसका हम एलएस काटेंगे जिसमें दिखाई देगा कि इसमें कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है इसका देखा जाता है बेटा, ये बेसिकली ये होता है स्ट्रोबिलाई के फॉर्म में, फीमेल कोन के फॉर्म में ये डेवलप होता है। अब ये फीमेल कोन होता है, फीमेल कोन में अगर देखते हैं कि यह जो होता है इसका ये इस मेगा स्पोरोफिल होता है, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल फिर का फॉर्मेशन होता है। अब इस मेगा स्पोरोफिल में अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन काटने का अगर इसका हम देखते हैं सेक्शन काटते हैं तो इस तरीके सेक्शन काटने पर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन इस तरीके पर होता है। सेक्शन काटते हैं तो ये जो बनता है बेसिकली ये सेंट्रल एक्सिस का पार्ट हो, सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल एक्सिस में इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। ये होता है स्टूडेंट्स
ये होता है इसका देखा जाता है ये बेसिकली इसका ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इसके कंडीशन में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या पाते हैं ये ब्रैक का फॉर्मेशन होता है, ये सभी में ब्रैक बनते हैं ब्रैक। पाइनस का अगर देखा जाता है पाइनस में ये ब्रैक ब्रैक प्योर होता है, सभी में क्या होता है ब्रैक पाए जाते हैं। और इसी के सरफेस पर क्या होता है ओव्यूल का कंडीशन पाए जाते हैं, ओव्यूल भी डेवलप होते हैं। तो ये होता है इसका ब्रैक का कंडीशन सभी में होता है इसका, ये ब्रैक बन जाता है बेटा। इस तरीके से इसका ब्रैक का फॉर्मेशन होता है। ब्रैक के साथ ही साथ इसी के सरफेस पर क्या होता है एक ओव्यूल बनता है, ओव्यूल ये होता है इसके सरफेस पर ओव्यूल पाया जाता है, सभी में ओव्यूल होते हैं। ये ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये ओव्यूल बनता है। अब ओव्यूल का अलग देखते हैं, अगर हम अलग से इसका फॉर्मेशन देखते हैं ये क्या होता है इसका जो बनता है डेवलपमेंट होता है बेसिकली ये होता है बेटा। इसकी कंडीशन में देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ये इसका सेंट्रल एक्सिस का पार्ट हो गया। सेंट्रल एक्सिस के कंडीशन में यहां पर एक ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, और ओव्यूल के फॉर्मेशन में ये ब्रैक का फॉर्मेशन होता है। ब्रैक के कंडीशन में ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है, अलग देखिए न्यूक्लियस का पार्ट, और यहां पर जो होता है ये इसका ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये ओव्यूल बन जाता है। ये हो गया बेटा ब्रैक, ब्रैक हो गया। इधर का जो पार्ट होता है इसका अलग देखा था ये सेंट्रल एक्सिस का पार्ट होता है, सेंट्रल एक्सिस एक्सिस देखते हैं। ये हो गया इसका न्यूक्लियस का पार्ट होता है न्यूक्लियस, ये ओव्यूल का होता है ओव्यूल, ये माइक्रोपाइलर रीजन होता है माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल के साथ साथ क्या होता है इसमें अगर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है माइक्रोपाइल के साथ साथ जो दूसरा पार्ट होता है इसके साथ साथ इसी के सरफेस पर ये पॉलन चैम्बर पाया जाता है, पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर ये सब फॉर्मेशन होता है, ये सेंट्रल एक्सिस का पार्ट होता है सेंट्रल एक्सिस। तो इस तरीके से अगर देखा तो जो स्टूडेंट जो सबसे इसका होता है ये फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो इसका जो सरफेस होता है ओव्यूलिन, ओव्यूलिन फेरस इसके ये जो होता है फेरस स्केल होता है बेसिकली इससे कि माइक्रोस्पोरोफिल का जो होता है ये ड्राई कलर में या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेसाइल पार्ट होते हैं। ऐसे कंडीशन में जो होता है इसके इंटर सरफेस पर देखा जाता है जो यहाँ पर हम सेक्शन करते हैं मेगास्पोरोफिल्स का, तो ऐसे करें ये सारे मेगास्पोरोफिल्स होता है, ये स्टॉल का पार्ट होता है, स्टॉल का पार्ट होता है। अगर सेंट्रल इसमें काटते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है ये एक्सिस हो गया सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस हो गया, एक्सिस के साथ साथ ये ब्रैक हो गया है, ब्रैक होता है, ये जो पार्ट होता है ओव्यूलिफेरस पार्ट होगा, ओव्यूलिफेरस स्केल, इसके साथ ये ओव्यूल का कंडीशन,
ओवियन पार्ट है, ये सेंट्रल एक्सिस का पार्ट होता है। अब इसमें होता है क्या स्टूडेंट, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, अभी इसका हम और ऐसा है बताते हैं कि जो इसका फिजियोलॉजी का होता है वो भी हम नेक्स्ट उसमें बताते हैं कि यहाँ पर जो सेक्शन है, सेक्शन कहते हैं सबसे इंटर पार्ट में क्या होता है, ये सेंट्रल एक्सिस होता है। सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड में क्या होता है, ओवेरिफेरस स्केल पाया जाता है। इसी ओवेरिफेरस स्केल में क्या होता है, ये पाया जाता है न्यूसिलस, पाया जाता है न्यूसिलस के चारों तरफ से। अगर देखा जाता है न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस के चार से सात साल क्या होता है, इसके साथ साथ अगर देखा जाता है कि जो सबसे ओव्यूल का पार्ट होता है, ओव्यूल के सरफेस पर क्या होता है, इसमें सरफेस पर पॉलिन चैम्बर होता है, ये माइक्रोपाइलर रीजन भी होता है, माइक्रोपाइल और न्यूसिलस का पार्ट होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो होता है ये फंक्शनिंग में होता है, यानी ये फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। अब इसमें अगर देखते हैं जो एक स्पेशल है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फाइनस ऑफ ओव्यूल का, ओव्यूल क्या होते हैं फाइनस होता क्या है स्टूडेंट्स, हमने बताया जब मेल गैमेटोफाइट मेच्योर होता है तो मेल गैमेटोफाइट में माइक्रोस्पोरोफिल्स को हमने इसके इसके पहले लेक्चर में बताया था कि माइक्रोस्पोरोफिल जब मेच्योर होता है ओव्यूल के कंडीशन में, तो ओव्यूल कंडीशन मेच्योर होने के साथ ही साथ ये इसका जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, हमने बताया कि इसमें जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये मियासिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोरिया का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोरिया के अवसर फीलर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो फीलर लाइक स्ट्रक्चर ये मेच्योर होने के साथ ही साथ ये इसमें जो पॉलिनेशन की कंडीशन होता है क्या होता है, वो एनिमोफिलस टाइप का होता है, यानी एयर के थ्रू होता है, जिसे हम एनिमोफिलिस कहते हैं, एनिमोफिलस। और इसके पहले जितने हमने पढ़े थे, चाहे एल्गी पढ़े थे, चाहे ब्रायोफाइटा पढ़े थे या टेडोफाइटा, सभी में क्या होता है, वाटर इसेंशियल था, बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर किसी प्रकार का वाटर की इसमें नहीं रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पर जो था ये पॉलिन फीडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीडर लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ ही साथ जो इसका पॉलिन ग्रेन होता है, पॉलिन ग्रेन जो होता है इसमें फीडर लाइक होता है, यानी इसका जो भाग होता है ये इस तरीके से फीडर लाइक होता है, ये भी तो ये विंग्स का होता है, ये हमारे जो बेसिकली होता है ये आउटर लेयर, आउटर पार्ट होता है, आउटर लेयर या आउटर पार्ट, इसे एग्जाइन होते हैं, एग्जाइन होता है, इसमें इनर होता है, इंटाइन होता है, इंटाइन, और ये जो होता है फीडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीडर लाइक स्ट्रक्चर ये क्या करता है, ये विंग्स की तरह फंक्शनिंग करता है, विंग्स। तो ये क्या करता है, ये वायु एयर के थ्रू क्या करता है, ये जो इसका एजेंट्स होता है एयर होता है, एजेंट के थ्रू क्या करता है, ये वायु के द्वारा इसे विंग्स के द्वारा इसमें आता है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट्स पर ये क्या करता है, अटैच कर जाता है। अब इसका फीमेल गैमेटोफाइट पर अटैचमेंट होने के साथ ही साथ इसमें हमने क्या बताया था कि ये जो होता है इसमें पाइनस की कंडीशन में कैसा होता है, पाइनस के कंडीशन में इसे मोनोइसियस टाइप का होता है, यानी इसे एक ही सरफेस पर इसका दोनों कंडीशन पाए थे, मेल और फीमेल, ये मोनोइसियस टाइप का प्लांट होता है। जबकि हम आगे जो साइकेडेल्स में, साइकेडेसी में जो पढ़ेंगे वो काम तो डाइसियस टाइप के होते हैं, उसमें मेल फीमेल का अलग पार्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ये मेल से आकर के क्या करता है, अटैच होता है फीमेल गैमेटोफाइट पर, तो फीमेल गैमेटोफाइट के इस सरफेस पर अगर देखते हैं जैसे आता है, तो यहाँ से माइक्रोपाइलर रीजन में यहाँ पर साइफोनोगैमस टाइप का होता है, यानी जो पॉलन ग्रेन होता है पॉलन चैम्बर के सरफेस पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के साथ साथ क्या करता है, इसके इसको जो माइक्रोस्पोर्स होता है यहाँ पर चिपक जाता है, चिपक जाता है, चिपकने के साथ साथ ये म्यूसिलेजिनियस पार्ट होता है, सीक्रेट होता है, जो यहाँ पर क्या करता है उसे ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का पार्ट होता है वो क्या करता है, इंटर कर जाता है, इंटर करने के साथ ही साथ यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ देखा जाता है स्टूडेंट, इसके कंडीशन में बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसा होता है, ये विंड के द्वारा होता है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमने बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो डिप्लॉयड, जो स्पोरेंजिया होता है इनिशियली कंडीशन में डिप्लॉयड टाइप का होता है, बट जब उसका मियासिस डिवीजन होता है उसमें बहुत सारे हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो होते हैं माइक्रोस्पोरिया के फॉर्म में डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरिया जो होता है इसमें डेवलप, इसमें आकर के फर्टिलाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओव्यूल कैसे होता है, किस तरीके से इसका फंक्शनिंग होता है, उसको हम देखते हैं। ओव्यूल के कंडीशन में स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो
इसका ओजिल आर्थ्रोटॉपस टाइप का होता है, आर्थ्रोटॉपस। आर्थ्रोट्रॉपस होता है, ये इसका पार्ट होता है पॉलिन चैम्बर का, पॉलिन चैम्बर का पार्ट होता है। इसके साथ ही सब देखा होता है स्टूडेंट, इसके कंडीशन में ये होता है इसका ओव्यूल का पार्ट होता है। इसमें जो होता है ओव्यूल के पार्ट के साथ ही साथ इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें ये माइक्रोस्पोरेंजिया का पार्ट होता है। अब इसमें स्टूडेंट जो होता है, जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये आर्थ्रोटॉपस टाइप का होता है। और क्या होता है, ये आर्थ्रोटॉपस टाइप का होता है। ये हो गया माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ये हो गया स्टूडेंट पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर हो गया। इधर स्टूडेंट देखते हैं बेसिकली ये आउटर, जो आउटर फ्लेशी इंटेगमेंट होता है, ये क्या कहते हैं इसे, एक आउटर फ्लेशी इंटेगमेंट, इंटेगमेंट। इसी तरीके से ये इनर इंटेगमेंट हो गया, ये इनर, इनर फ्लेशी इंटेगमेंट, इनर हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है, ये मिडिल पार्ट होगा, ये मिडिल हो गया, मिडिल इंटेगमेंट। एक मिडिल इंटेगमेंट हो गया, एक मिडिल हो गया। अब यहां पर देखते हैं जो स्टूडेंट सबसे बड़ा अगर मिडिल लेयर जो कैसा होता है, मिडिल लेयर जो होता है ये इंटेगमेंट, ये स्टोनी लेयर होता है, स्टोनी मिडिल लेयर। ये कैसा होता है, स्टोनी मिडिल, यानी ये हार्ड होता है, हार्ड होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ये फॉर्मेशन करता है, ये वह ये आर्किगोनिया होता है, ये आर्किगोनिया, इसे कहते हैं आर्किगोनिया, आर्किगोनिया। ये न्यूसेलस का पार्ट होता है, न्यूसेलस जो होता है स्टूडेंट, न्यूसेलस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये पैरेन्काइमेटर सेल से भरा होता है, पैरेन्काइमा मास से ये फिलअप होता है, और यह जो होता है इसको स्ट्रेंथ देने का कार्य करता है। इसी साथ साथ ये जो होता है, ये पॉलन ट्यूब का पार्ट है, इसे देख लेते हैं, ये पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है स्टूडेंट, जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। अब इसमें देखिए होता क्या, बेसिकली हमने बताया कि जैसे मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद जो इसका ओव्यूल के कंडीशन, जैसे सॉरी माइक्रोस्पोर जब विंग्स के द्वारा आता है के थ्रू, तो वो आकर के सरफेस पर क्या होता है, इस पर अटैच होता है। अटैच होने के बाद फिलर जो होता है इसका क्या होता है, वो आउटर सरफेस पर रहता है, बट इनसाइड में जो होता है, जो न्यूक्लियस का पार्ट, माइक्रोस्पोरिया का और न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है, वो इसके थ्रू आता है। और यहाँ पर जो होता है, ये जो पाए जाते हैं, जो इसका आर्किगोनिया से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करके क्या करता है, फिर इसमें पॉलिन इसको कंप्लीट करता है, फिर यहाँ से इसका जो होता है डायरेक्ट जायगोट जीवियोगैमी होता है, जायगोटिक कंडीशन होता है, जो इसको तो फॉर्मेशन होता है, जिसे जीवियोगैमी कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये डायरेक्ट ये स्पोरोफिटिक कंडीशन होता है, यहाँ पर भी जो होता है गैमेटोफाइट पर इसका डिपेंड नहीं होता है, स्पोरोफाइट के बाद डायरेक्ट क्या करता है, ये प्लांट का डेवलपमेंट कर लेता है। तो इस तरीके से देखा जाता है स्टूडेंट, जो होता है पाइनस में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर जो होता है ये फंक्शनिंग करता है,
ये फीमेल गैमेटोफाइट में। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये पहले क्या होता है कि मेल गैमेटोफाइट्स, उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब इसके साथ हमने बताया कॉनिफर्स में, कॉनिफर्स का बात बताया था, कॉनिफर्स में कैसा है, कॉनिफर्स का हमने बताया था कि ये चार ग्रुप में होते हैं। पहला क्या बताया था, पहला बताया था कॉनिफर्स कॉनिफरेंस, दूसरा होता है साइकेडेल्स, और तीसरा बताया था हमने इसके पहले जिंटेल्स होता है, उसके बाद जिंगो बायल्स होता है। तो इसमें जो होता है फर्स्ट और सेकंड जो होता है पाइनस का बाय, कॉनिफर्स में पाइनस आता है, पाइनस के जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पाइनस होता है, सिप्रस होता है और सिक्योया होता है। सिक्योया रेडवुड ट्री यानी टॉलेस्ट, सिक्योया का भी बात होता है टॉलेस्ट पार्ट प्रोसेस प्लांट होता है। तो यहाँ पर जो होता है पाइनस की हमने सारा इसका हिस्ट्री किया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा होता है साइकेडेल्स के अंतर्गत, साइकेडेल्स में हम लोग स्टडी करते हैं बेटा साइकस की बात कर लेते हैं। पाइनस के ओव्यूल में हमने बताया था बेटा एक चीज और ध्यान देने की बात है, जो पाइनस होता है वो कैसा होता है, इसमें हमने बताया ये बेसिकली जो उसका पार्ट होता है ये एनाटोकस टाइप का पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है सराउंडिंग होते फिलप होते हैं, पाइनस में जो फिलप टाइप के होता है ना। अब इसके बाद देखिए जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं साइकस की बात कर लेते हैं। साइकस साइकस क्या होता है, साइकेडेल्स में अगर इसके अंतर्गत हिस्ट्री करते हैं, साइकस में भी स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेम इसी तरीके से वो भी होता है साइकस में भी। तो नेक्स्ट देखते हैं साइकस की हिस्ट्री कैसे करते हैं। जिम्नोस्पर्म का जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा ग्रुप होता है पहला होता कॉनिफरेंस का, अब दूसरा ये जो ग्रुप आता है वो होता है साइकेडेल्स। सेकेंड ग्रुप होता है इसका साइकेडेल्स, साइकेडेल्स में देखते हैं साइकेडेल्स में साइकस का स्टडी करते हैं। साइकस में स्टूडेंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंतर्गत सबसे ये भी कैसा होता है, ये प्लांट जो होता है एवरग्रीन प्लांट होता है, इसे हम कहते हैं इसे एवरग्रीन प्लांट, एवरग्रीन प्लांट होता है। इसके साथ ही साथ एवरग्रीन होने के साथ ही साथ ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ऐसे प्लांट में किसी प्रकार का ये ब्रांचेस नहीं पाया जाता है, ये अनब्रांच होता है, एवरग्रीन होता है, अनब्रांच होता है और स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है। इसके साथ ही साथ ये जो होते हैं इसकी बहुत सारे स्पेसीज पाए जाते हैं, स्पेसीज बहुत सारे होते हैं और ये हमारे इंडिया में इसके बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं जिसे जो हम लोग को स्टडी करना होता है वो कॉमन, जैसे साइकस रेवोल्यूटा की बात कर लेते हैं, साइकस रेवोल्यूटा का दूसरा जो होते हैं जो फैमिली साइकेडेसी का जो पार्ट होता है ये इंडिया में ये लगभग में सभी जगहों पर पाए जाते हैं। मोस्टली इसको अगर देख लिया था इसे साउथ के कंडीशन में इसका ज्यादा साउथ के कंडीशन ज्यादा पाया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के लिए ये देखने वाला अगर स्ट्रक्चर इसका देखा होता है स्ट्रक्चर के रूप में ये पाम लाइक होता है, पाम लाइक प्लांट होता है, दिखने में पाम लाइक होता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पाम लाइक होता है, और इसे पाम लाइक क्या कहते हैं या इसे ट्री फर्न भी कह सकते हैं, ट्री फर्न भी कह सकते हैं, ट्री के रूप में सब कंडीशन होता है। दूसरा हम इसके कंडीशन में देखते हैं बेटा जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी ये भी पाइनस की तरह डिफरेंशिएट होता है, मेन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट रूट स्टेप एंड लीव्स। रूट में भी हमने बताया था
बेसिकली इसी के लिए हमने जनरल कैलकुलेशन कर दिए थे, इसका मेंशन कर दिए थे। रूट में कैसा होता है, ये दो टाइप, टू टाइप्स के रूट होते हैं। रूट टू टाइप के होते हैं, रूट टू टाइप होते हैं। पहला होता है इसमें नॉर्मल रूट। नॉर्मल रूट में क्या होता है, नॉर्मल रूट कैसा होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होने के साथ ही साथ इसमें क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए सेंसिटिव होता है। इसके साथ ही साथ इसका जो दूसरा पार्ट होता है कि वाटर के साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट भी ले लेता है, सारे इसका वाटर न्यूट्रिएंट। दूसरा होता है इसका कोरेलाइड रूट, कोरेलाइड, कोरेलाइड रूट में स्टूडेंट हमने बताया था ये पाइरी, ये भी पाइरी जो रूट होता है उसी का कुछ पार्ट्स क्या करते हैं, अपर रीजन में आता है। लेकिन ये कैसा होता है, ये फंक्शनिंग करता है निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक की तरह, निगेटिव जियोट्रॉपिक की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, इसके कॉर्टिकल जोन में, कॉर्टिकल जोन में यानी इसके कॉर्टेक्स के पार्ट में, कॉर्टिकल जोन, कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, इसमें सिम्बायोटिक बिहेवियर यानी सिम्बायोटिक के तरह कोलाइड रूट में क्या करते हैं, इसमें नास्टाक एनाबीना ऑसिलेटेरिया, नास्टाक एनाबीना, एनाबीना एंड ऑसिलेटेरिया, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। और इसके साथ ही साथ ये सभी कैसे होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा के पार्ट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा या इसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। और ये हमेशा क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ जो हमने बताया था बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट होता है, दूसरा हमने बताया था ये रूट हो गया, स्टेम के लिए बताया था, स्टेम में सेम कंडीशन, स्टेम में बेसिकली कैसा होता है, ये एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट एक स्ट्रेट होता है, लॉन्ग होता है, टॉल। दूसरा इसका ये कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, टॉल होता है। दूसरा इसके कंडीशन में इसका एक डॉट फ्रूट होता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेट के कंडीशन में, अगर देखते हैं जो लॉन्ग फ्रूट होता है वो टेंडर बड, लॉन्ग में क्या होता है स्ट्रेट में, इसमें लॉन्ग फ्रूट, इसे लॉन्ग फ्रूट भी कह सकते हैं, लॉन्ग सूट, इसमें टर्मिनल बड पाए जाते हैं, टर्मिनल टर्मिनल बड होते प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या होते हैं, दूसरा इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जबकि दूसरा होता है डॉट सूट में, डार्क सूट, ये शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल सूट, स्मॉल सूट टर्मिनल बड एब्सेंट होता है, टर्मिनल बड एब्सेंट। इसके साथ साथ क्या होते हैं, लिमिटेड ग्रोथ होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। अब इसके साथ साथ जो तीसरा जो हमने बताया ये स्टेम हो गया, इसके साथ साथ हमने दूसरा जो देखिए, ये बेसिकली सेकेंड इसका पार्ट होता है, लीफ की बात कर लेते हैं, लीफ, लीफ देखिए स्टूडेंट, लीफ हमने बताया था टू टाइप्स के लीफ होते हैं,
अब इस लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने बताया कि ये स्केली लीव्स होते हैं, स्केली लीव, और स्केली लीव्स में लीव्स हमेशा ये समझ लिए डाइमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, डाइमॉर्फिज्म, ये डाइमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ एक टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है स्केली लीव्स, ये और सूट को, सूट पार्ट को कवर करते हैं। सूट पार्ट को कवर करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने बताया सूट पार्ट को कवर करते हैं, ये ड्राई होते हैं, एक दूसरा के साथ है ड्राई होता है, ब्राउन कलर होता है, कलर करते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, और ये बेसिकली अगर इसको देखा था जो सूट पार्ट होता है इसका, सूट पार्ट बेसिकली ये सबसे ज्यादा रेमेंटा जो होता है उसके लोअर सरफेस पे हमें होता है कि रेमेंटा, अगर देखा था जो लोअर पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट इसके कंडीशन में इस तरीके से निकलते हैं, उसके इसमें ये जो पाए जाते हैं ये रेमेंटा का पार्ट होता है, इसके लोअर सरफेस में ये रेमेंटा का पार्ट होता है, रेमेंटा, यही जुवेनाइल कंडीशन में पाए जाते हैं। रेमेंटा कैसा होता है, जुवेनाइल, जुवेनाइल पार्ट में स्टेज में प्रेजेंट होता है, ये जो आयल स्टेज में बेटा प्रेजेंट होता है और उसे रेमेंटा कहते हैं, और ये क्या करता है, इसको कवर करता है, रेमेंटा को कवर करता है। तो ये होता है बेटा, ये इसके लिए लिप्स की बात करके ब्राउन कलर होता है, ये ससाइल पार्ट होता है, ससाइल पार्ट, और इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा जो होता है इसका, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसको हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट होता है इसका फॉलियर लीव में ये स्टूडेंट कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर, और इसके साथ में ग्रीन कलर के साथ साथ क्या होता है, ये इसमें ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है, ग्रीन कलर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दूसरा इसका क्या होता है बेटा, इसमें सनकेन इंस्ट्रूमेंटा होता है, इसमें सनकेन, सनकेन का मतलब क्या होता है बेटा, ये धसा हुआ होता है, सनकेन इंस्ट्रूमेंटा, सनकेन इंस्ट्रूमेंटा प्रेजेंट होता है, सनकेन इंस्ट्रूमेंटा होता है, और ये बेसिकली ये नीडल लाइक होता है, अधिकतर ये और ये होता है लेकिन नीडल लाइक, ये पतले होते हैं, थिन होता है। तो इस तरीके से बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये दूसरा एक और चीज रहता है, थिन होता है, यूनिपिनेटली होता है, यूनिपिनेटली का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो होता है बेसिकली जो यूनिपिनेटली इट मीन्स जो यंग प्लांट होता है वो अपर साइड में होता है, जो ओल्ड लीव्स का पार्ट होता है वो लोअर सरफेस में होता है, यानी अगर देखा जाता है ये हमने बताया था ये कौन फॉर्म में होता है, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं, ये तो ये यंग होता है, यंग सूट या यंग लीव, यंग सूट कह सकते हैं या लीव भी कह सकते हैं, ये दोनों के कंडीशन होता है लीव, इसी तरीके से ये ओल्ड होता है, ओल्ड लीफ एंड सूट,
ये जो होता है इस तरीके से पाक पाया था, दूसरा क्या होता है ये कौन से में होता है इसलिए क्या कहते हैं उसमें आते हैं, तो अधिकतर इसकी कोनिफर जो साइकेडेस्ट में भी होता है, हालांकि इसमें ऐसा इस कंडीशन में नहीं होता है, ये कोनिफरेस में होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो हमें होता है कि ये यूनिपेंडेंटली होते हैं, दोनों एक सरफेस पर क्या करते हैं, अगर इसको देखा आता एक एक अल्टरनेटली इसके फॉर्म में ये अल्टरनेटली फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसका फंक्शन होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो देते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये लीव जो होते हैं ये थिक होते हैं, ये बेटा थिक होता है, थिक होता है यूनिपेंडेंटली होता है। इसके साथ ही साथ जो इसका जो सबसे बीच पार्ट होता है थिक के साथ साथ इसके बीच में क्या होता है प्लांट के लीफ में ये रैकिस पाए जाते हैं, रैकिस ये रैकिस होते हैं, इसमें प्लांट का लीफ का देखा आता है, प्लांट का लीफ अगर मान ली क्या होता है अगर मान ये लीफ की पार्ट होता है ये लीफ होता है स्टूडेंट, ये जो पार्ट होता है ये रैकिस कहलाता है, रैकिस रैकिस प्रेजेंट होता है, और इस तरीके से पतले पतले इसके पार्ट इसके बेंच के पार्ट पाए जाते हैं, ये लंबे होते हैं बेटा, ये लंबे होते हैं, तो ये रैकिस होता है, ये थिन होता है, और ये कैसे करते हैं ये कैसे करते हैं हेल्पिंग हेल्पिंग कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये ट्रांसपोर्टेशन यानी ये इसमें जाइलम फ्लोएम का पार्ट होता है, क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड प्लांट होता है, इसमें सारे कंडीशन होते हैं, इसके लिए भी कंडीशन में रैकिस पाया जाता है जो ये क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन में उसका हेल्प करता है, तो इस तरीके से इसका फंक्शनिंग होता है बेटा, फंक्शन करता है। अब इसका देखते हैं बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका दूसरा, हम लोग क्या करते हैं हमने बताया कि ये ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसके साथ ही साथ देखते हैं जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दूसरा, इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन रूट हो गया, शूट हो गया, लीफ हो गया बेटा। अब इसके साथ देखते हैं रिप्रोडक्शन की कंडीशन एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट हमने बताया कि रिप्रोडक्शन में भी बेसिकली सेम हमने कल भी बताया था और सेम वही होता है बेटा, इसमें रिप्रोडक्शन में कैसे टू टाइप्स का होता है, पहला होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बेटा एपिकल बर्ड्स होते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में एपिकल बर्ड्स ये टूट करके ब्रेक डाउन होकर के गिर जाते हैं और एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कर लेते हैं बाय एपिकल बर्ड्स इन अनफेवरेबल कंडीशन ये जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में ब्रेक डाउन होकर गिर जाते हैं, इसे क्या करता है ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और प्लांट का डेवलपमेंट कर देते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। दूसरा देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट हो गया ये वेजिटेटिव एंड सेकेंड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है, इसमें भी जो होता है टू टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स में ये होता है मेल कौन होता है हमने बताया, ये भी कैसा होता है हेटरोस्पोरस टाइप का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है हेटरोस्पोरस, स्पोरस टाइप,
जिसमें मेल कोण होता है, मेल कोण, और मेल कोण में भी हमने क्या होता है कि मेल केमन में भी जो होता है जो एक माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है माइक्रोस्पोरोफिल के फॉर्म में, दूसरा फीमेल कोण होता है वो भी फीमेल कोण, ये भी क्या करते हैं एक दूसरे से कोनिकल फॉर्म में ये भी पाया जाता है, ये भी फॉर्मेशन कर देता है, यानी इन दोनों के कंडीशन में मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट कर देता है। अब ऐसे कंडीशन में मेल गैमेटोफाइट्स में भी अगर देखा जाता है तो मेल कोण कैसा होता है स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम उसी पाइनस की तरह होता है, ये भी मेल मेल कोण जो होता है छोटा सा होता है, छोटा पार्ट होता है बेटा, ये मेल कोण होता है, ये इसका मेल कोण होता है बेटा, ये मेल कोण होता है, ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, ये स्टॉल का रीजन होता है स्टॉल। अब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो इसमें पाया जाता है बेटा सेम कंडीशन में, इसमें भी जो होता है सेंट्रल कंडीशन में क्या होता है एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है बेटा सेंट्रल एक्सिस, और इस एक्सिस के सराउंडिंग क्या होता है, ये माइक्रोस्पोरोफिल का ओविलिफेरस स्केल्स पाए जाते हैं, ये भी होता है, ये भी अगर इसको देखा था ये स्केल के फॉर्म में भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये भी होता है, बट इस लीफ नहीं होता है, ये हो गया बेटा। अब इसमें देखा जाता है जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये इसका हो गया इसका सेंट्रल एक्सिस। अब इसी के कंडीशन में लोअर सरफेस पर क्या होता है, इसमें ये सभी में क्या होता है बेटा इसमें स्पोर माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं ये सभी में, ये इस तरीके से होते हैं। अब इसमें जो होते हैं ये माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, ये माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, और फिर क्या करते हैं ये सुराई का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पर सुराई का फॉर्मेशन कर देते हैं माइक्रोस्पोर, ये क्या करते हैं इसको माइक्रो स्पोरेंजिया, ये होता है सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। अब ये हो गया बेटा इसमें माइक्रो स्पोरेंजिया का पार्ट होता है, सेंट्रल एक्सिस कर सकते हैं, ऐसे कोन कोन एक्सिस भी कर सकते हैं, कोन एक्सिस कोन कोन सेंट्रल एक्सिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है माइक्रोस्पोरिया, क्या होता है ये बॉर्न करता है सुराई के रूप में, सुराई होता है बेटा माइक्रोस्पोरिया जो डेवलप करता है ये सुराई का फॉर्मेशन करता है, सुराई माइक्रोस्पोरिया अगर देखिए तो इसका इस तरीके से ये सुराई का फॉर्मेशन करता है। ये सभी क्या होता है इसी के ऊपर लगते हैं सुराई। अब सुराई में अगर देखिए क्या होता है स्टूडेंट, सुराई का इसका भी इसमें जो पार्ट होता है अब इसमें जो होते हैं इसमें सुराई के इसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे इसका जो पार्ट होता है ये
ये होता बेटा। अब इसमें जो देखते हैं जो ये सुराही का पार्ट होता, अब इसका हम एक सुराही का अगर देखते हैं तो इसमें इस तरीके से फंक्शनिंग होता। और इसके कंडीशन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है ये माइक्रोजेस सुराही का होता है, ये मेल गैमेटोफाइट्स होता है। इसी कंडीशन में क्या होता है, स्पोरिंजिया का ये सुराही होता है, स्पोरिंजिया लाइक होता है, सुराही का ये कह सकते हैं स्पोरिंजिया लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पोरिंजिया लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता। अब ये यही जो होता है बेटा, ये सेंट्रल पैपिला होता है, और ये क्या करता है, इसे कहते हैं सेंट्रल पैपिला। ये माइक्रोस्पोरिया क्या करता है, फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। अब इसके सरफेस जो होता है, जो सबसे जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, इसमें देखती है क्या होता है कि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट का पीएस ओव्यूल देते हैं, ओव्यूल के कंडीशन में सेकंड होता है इसका पीएस ऑफ ओव्यूल, पीएस ओव्यूल देखते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट्स होता है, अब इसको देखते हैं दूसरा सेकंड होता है मेगास्पोर कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम में होता है क्या बेटा, मेगास्पोरेंजियम में देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस कंडीशन में, ये प्लांट होता है मेगास्पोरोफिल होता है। मेगास्पोरोफिल का बात कर लेते हैं, मेगास्पोरोफिल ये होता है बेटा मेगास्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, ये मेगा स्पोरोफिल का ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग इसका अगर देखते हैं सेक्शन काटते हैं मेगा स्पोरोफिल में, इसी तरह बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये होता है इसका मेगा स्पोरोफिल का पार्ट होता है, इसे ओव्यूल कह सकते हैं, ये जो होता है ओव्यूल, ओव्यूल। अब इस ओव्यूल का हम देखते हैं टीएस देखते हैं क्या होता है ओव्यूल का, इसका टीएस देखते हैं बेटा, ओव्यूल होता है पीएस ऑफ ओव्यूल, पीएस ऑफ ओव्यूल, पीएस ऑफ ओव्यूल में
ये होता है बेटा, इसका मिडिल मिडिल लेयर होता है, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट होता है। इसके साथ ही साथ इस तरीके होता है। अब इसमें दूसरा स्टोन जो होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ये हो गया पॉलिन चैम्बर। पॉलिन चैम्बर होता है, पॉलिन चैम्बर का पार्ट होता है, और इसी के सरफेस पर ये हो गया न्यूसलेस का पार्ट होता है बेटा। न्यूसलेस के पार्ट के साथ साथ इसका सराउंडिंग होता है, कवर करता है। न्यूसलेस के साथ साथ वैस्कुलर स्टेंस की बात कर लेते हैं। वैस्कुलर स्टेंस होता है बेटा, ये भी वैस्कुलर स्टेंस होता है, ये भी वैस्कुलर स्टेंस होता है, ये वैस्कुलर स्टेंस होता है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या होता है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन होता है। ये होता है, इट इज नोन एज माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, पॉलन, पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर। इसके साथ साथ ये न्यूसेलस का पार्ट होता है, न्यूसेलस। आउटर होता है इसका, आउटर, आउटर स्टोनी लेयर। आउटर स्टोनी लेयर होता है, या आउटर इंटूमेंट कहते हैं। ये इनर इंटूमेंट होता है, आउटर इंटूमेंट, एंटेगुमेंट। यह हुआ इनर, इनर इंटेगुमेंट। यह होता बेटा मिडिल, मिडिल, मिडिल इंटेगुमेंट। इसके साथ साथ यह होता है वैस्कुलर स्टेंस, वैस्कुलर स्टेंस। ये हो गया बेटा वैस्कुलर स्टेंस के साथ साथ क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और इसी के सरफेस पर जो होता है, ये आर्चिगोनिया पाए जाते हैं।
ये होता है आज की गोनिया, आज की गोनिया, ये आज की गोनिया हो गया स्टूडेंट्स। और आज की गोनिया के साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। अब यहां पर देख लीजिए, ये इसका स्टॉक रीजन होता है, ये स्टॉक रीजन होता है, स्टॉक होता है। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने बताया कि यहां पर जो होता है, जो हमने ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर देखा, हमने बताया कैसा होता है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यह बेसिकली जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल ये मेगा स्पोरोफिल का पार्ट होता है। अगर देखा मेगा स्पोरोफिल, अब यहां पर जो इसका सेक्शन काटते हैं तो इसमें क्या होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है। ये पोरस पार्ट होता है, थिन वॉल पोरस पार्ट होता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये भी आर्थर बेसिकली जो होते हैं, ये भी कैसा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में भी अगर देखा जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्थोट्रोपस टाइप का, ये भी होता है। और जो सबसे इसका जो मेन फंक्शनिंग होता है कि इस कंडीशन में जब ये मैच्योर हो जाता है माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर जब आता है मैच्योर होकर के, तो क्या करता है इसके सर्फेस पर अटैच हो जाता है। सर्फेस पर अटैच हो जाने के साथ ही साथ ये क्या करता है, इसके साथ ही साथ ऑर्थोट्रोपस होने के साथ ही साथ क्या करता है, ये माइक्रोपाइल रीजन से इसका ये चिपक जाता है। चिपकने के साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो होता है इसका पॉलन, जो माइक्रोपाइल होता है ये कॉन्टेक्ट करता है पॉलन चैम्बर से, पॉलन चैम्बर के पास आकर के क्या करता है, इसके न्यूक्लियस रीजन में आकर के इसके फीमेल गैमेटोफाइट्स में अटैच होता है। अब यहां पर क्या करता है, इसका जो आर्ची गोनिया होता है यहां से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करके क्या करता है ये डायरेक्ट स्पोरोफाइटिक कंडीशन के बाद फिर इसका डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट होने के साथ ये भी क्या करता है, प्लांट बॉडी को इसमें प्रिपेयर करता है, यानी प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देता है। तो इस तरीके से देखा जाता है बेटा, जो होता है इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट थ्री लेयर्स के पार्ट से होता है, ये आउटर इंडिक्यूमेंट होता है, ये बीच का जो होता है मिडिल पार्ट होता है इंडिक्यूमेंट, और ये इनर इंडिक्यूमेंट होता है। इन आउटर इनर और मिडिल इंडिक्यूमेंट में क्या बेसिकली क्या होता है कि ये वैस्कुलर स्ट्रेंथ होता है, और ये वैस्कुलर स्ट्रेंथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है इसका न्यूट्रिएंट्स और वाटर को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से देखा जाता है स्टूडेंट, जो होता है यह जो होता है साइकस में भी, साइकस और पाइनस का भी जो होता है हेटरोस्ट्रोपस टाइप का ओरल के कंडीशन में कंप्लीट करता है, और यही फिर क्या करता है ये इसको डेवलपमेंट करके फिर अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि इसका जो दो इसका पार्ट होता है, एक हमने बताया था कि कोनिफर्स में बताया था, कोनिफर्स में, दूसरा हमने बताया था इसका उसका साइकेडेल्स में, साइकेडेल्स के साथ साथ जो दूसरा तीसरा और चौथा होता है, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर मेगास्पोर के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, किस टाइप का होता है, ये सारे चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसमें देखा था हमने जो मेन आइडेंटिफिकेशन होता है, हमने बताया था कोनिफर्स में अगर देखा था ये कैसे अपने ब्रांच होते हैं, और इसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे पाइनस होता है, सेड्रस होता है और सिक्वाया होता है। दूसरा हमने पढ़ा था साइकेडेल्स में साइकस का, ये अनब्रांच होते हैं, जो इसमें स्पेशली होता है अनब्रांच होता है, परियोजी पाए जाते हैं। दूसरा होता है इसका तीसरा थर्ड होता है जिनटेल्स होते हैं, जिनटेल्स में थर्ड इसका हम लोग देख लेते हैं जिनटेल्स की कंडीशन में, इसमें कुछ ज्यादा स्टडी नहीं करना बेटा, थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं उसके बाद ये टॉपिक को खत्म करते हैं। थर्ड इसका पार्ट होता है जेंटेल्स, जेंटेल्स होते हैं, इसमें जो एग्जांपल होता है इफेड्रा होते हैं, इफेड्रा होता है, वैलिसियाना होता है, वैलिसियाना होता है, वेलिसियाना में जो ये भी होता है बेटा स्टूडेंट देखते हैं, वेलिसियाना होता है।
अब ये जो होता है दो एग्जांपल होते हैं इसका, इसका अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन दे दीजिएगा वैलिस किया ना है, ये टू पार्ट होते हैं और चौथा इसका पार्ट होता है, इसका हम लोग उसका डिटेल स्टडी नहीं है, चौथा जिंगो वेल्स, जिंगो वेल्स इसमें एग्जांपल होता है जिंगो बायरोबा का, जिंगो बायरोबा ये फासिल, ये फासिल के रूप में होता है, फासिल फासिल जिम्नोस्पर्म होता है। फासिल जिम्नोस्पर्म ये बेटा हमने फोर जो क्लासेस के क्लासेस था इसके अंतर्गत हम लोग इसमें थे। ये कैसा होता है जिंगो वेल्स, ये लिविंग फासिल होता है, ये इसका होता है जिसमें से हम लोग बेसिकली जो कोनिफरेंस होते हैं यानी पाइनस के बाद होती है, दूसरा साइकस की बात होती है। हाँ, अब इसको बेटा इसको स्टडी करिएगा और जो भी डाउट होता है आप लोग इसको पूछिएगा। हाँ, तो आज का ये टॉपिक था बेटा जो इसको समाप्त हुआ, फिर इसका एक हो गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर ले लेंगे। हाँ, तो आप इसको अच्छे से घर पे सुरक्षित रहिए, पढ़िए और मेहनत करिए, जो डाउट होता है उसे आप जरूर पूछिए और आपको इसको वीडियो को देख करके बेटा इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर लाइक करते हैं तो थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ता है, आप लोग इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं इसमें, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं कर रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करिए और अच्छे से जो होता है उसे देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, जो डाउट होता है उसको आप जितने बार देखते उतने बार हमको इनबॉक्स में पूछते रहिए, तो ये बहुत अच्छा होगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, ऐसा आप जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो उसको हम लोग देखते हैं बाद में, है ना। ठीक, थैंक यू बेटा।